केमिकल को आप सारा स्प्रे कर दीजिए पूरे कंडेंसर के ऊपर, और इसको 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे पानी से, और आप इसका रिजल्ट देखिएगा कैसा रहा है। पहले मैं काफ़ी डस्ट है, इसको साफ करना है। साफ करके आपको दिखाता हूँ। इन स्क्रूज को खोलने के लिए हमें ये 10 नंबर का चाहिएगा की, जिसकी हेल्प से हम इसको खोल देंगे। आइए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ कि कैसे खुलेगा। ये 4 स्क्रूज हमने खोल लिए हैं, ये सब स्क्रूज खोल लिए हैं। बारी आती है हमारे इसके प्लास्टिक के फास्टनर्स के, जो लॉक से हमें इनको खोलना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से खोलते हैं। इन प्लास्टिक लॉक्स खोलने के लिए आपको इस तरह का स्क्रू ड्राइवर चाहिएगा। ये माइनस वाला। अब हमें क्या करना है, हमें इसको यहाँ पे लगाना है। जूम करते हैं, और इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देना है। उठाने के बाद हमें इसको ये इस तरह से ही निकल जाएगा। इसी प्रकार से ये दूसरा वाला करते हैं। स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पे हमें अटकाना है, करने के बाद हमें इसके नीचे से, और देखिए हमारा फास्टनर निकल गया है। तो साइड का लॉक खोलने के लिए हमें इस प्रकार का प्लस वाला चाहिए होगा। ये देखिए, ये स्क्रू हमने ओपन कर लिया। इसी तरह से दूसरा स्क्रू भी ओपन कर लेंगे। मैं जल्दी से आपको खोल कर दिखाता हूँ। स्क्रूज हमने खोल लिए हैं। अब इसको हमें बम्पर को उतारना है, तो हमें बड़े प्यार से इसको साइड से खोलना होगा ऐसे। ये देखिए हमारा यहाँ पे लॉक्स होते हैं। इसको हमने ऐसे हल्का सा प्रेस किया और ये ओपन हो गया। आइए अब दूसरे वाला दिखाता हूँ मैं आपको। इसको ओपन कर लिया है। आपको बड़े प्यार से यहाँ पे ऐसे लॉक्स हैं, ये आपको खोलने होंगे। आवाज़ भी आ रही होगी, देखिए ओपन हो गया है ना यहाँ पे दोनों। अब आगे का भी हमें खोलना होगा। यहाँ पे हल्का सा आपको प्रेस करना है। अब आप इसको सारे इसको खोलने के बाद देखिए ये हमारा खुल गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप बम्पर खोलें तो कंडेंसर को क्लीन कर लें। ये एसी की सर्विस के काम आता है। ये केमिकल है, मैं आपको इसका बताऊंगा क्या कैसे बनता है। इस केमिकल को स्प्रे करने से क्या है, इसकी जो डस्ट वगैरह है वो सब क्लीन हो जाएगी। बिफोर एंड आफ्टर देखिएगा कितना क्लीन हो जाएगी। इस केमिकल को आप सारा स्प्रे कर दीजिए पूरे कंडेंसर के ऊपर,
और इसको 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे पानी से और आप इसका रिजल्ट देखिएगा कैसा रहा है। पहले ब्लैक था और इसको जब हम पानी से वॉश करेंगे तो आप देखिएगा क्या निकलता है। केमिकल को बनाने के लिए आप ऑनलाइन या मार्केट से ये आइटम ले सकते हैं, कारपेट और अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग का ये कंसंट्रेट है। इसको बनाने का तरीका है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यूज कर सकते हैं। 9 लीटर के अंदर आपको 350 इसमें मिलाना होता है। आप 1 लीटर के अंदर 100 ml डाल देंगे तो आपका ये अच्छा बन जाएगा काफ़ी केमिकल। कोई भी खाली बोतल ले सकते हैं स्प्रे वाली, उसके अंदर इस केमिकल को आप डाल देंगे और पानी मिला देंगे तो आपका ये केमिकल तैयार हो जाएगा। अब इसको पानी से साफ करेंगे हम अच्छे तरह से। इसको अच्छे तरह वॉश करना बहुत ज़रूरी है। क्लीन करने से आपका एसी काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, आगे से इसका जो एयर फ्लो है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। की भी लाइफ अच्छी रखनी है तो मैं आपको आगे का स्टेप दिखाता हूँ। इससे इंजन काफ़ी ठंडा चलता है। ये तो हमारा एसी का काम हो गया है कि एसी हमारा बहुत ही अच्छा ठंडा काम करेगा क्योंकि एयर फ्लो इम्प्रूव हो गया। अगर आप देखेंगे पहले वाले कंडेंसर के कलर में और अब वाले कलर के में तो काफ़ी डिफरेंस आ गया है, शाइनी हो चुका है। जो भी इसका डस्ट वगैरह थी वो तो चली गई है, डस्ट हट गई है। आप नीचे दिखाता हूँ आपको, देखिए कितना डस्ट है नीचे, सारा डस्ट गंदगी कितनी निकली है इसमें। अभी कंडेंसर को हटा के हमें रेडिएटर को भी साफ करना है तो हम ये 2 स्क्रू ओपन करेंगे 10 नंबर के। प्लेट हमने हटा दी है, अभी कंडेंसर है, कंडेंसर को हटा के हमें देखना है कि इसकी कोई हालत है, अभी हमें इसको साफ करना है। साफ करते हैं इसको। अभी देखिए हमने कंडेंसर हटा दिया है तो अब इसके पीछे देखते हैं कि पानी आर पार जा रहा है, साथ हमारे साफ है। रेडिएटर को भी साफ करना है,
काफ़ी डस्ट है, इसको सॉल्व करना है। साफ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने क्लीन कर दिया, ये हमारा कंडेंसर है एसी का और ये हमारा रेडिएटर है, इन दोनों की हमने काफ़ी अच्छी तरह से पानी सप्लाई कर दी। तो जो हमारा एयर फ्लो है यहाँ से जाने का पीछे से, और उधर फैन है उससे होते सारी एयर हमारी पास हो जाएगी, तो हमारा ये काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, इंजन भी कूल रहेगा और एसी भी अच्छा वर्क करेगा।